नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। कंपटीशन कम्युनिटी का खास CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित मोबाइल कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस मोबाइल कोर्स के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में बैठकर कहीं से भी CGPSC या फिर व्यापम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस मोबाइल कोर्स की खास बात यह है कि इस मोबाइल कोर्स में आपको मिलेंगे CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित 200 से अधिक वीडियो लेक्चर्स। इसके साथ ही यहां आपको मिल रहा है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, वो भी 3000 से अधिक विशाल प्रश्नों के संग्रह के साथ। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की क्या होगी खास बात, सुनिए सत्येंद्र सर से। हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और मैं यहां पर आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ाऊंगा। और इस सब्जेक्ट में आपको मेरे साथ यहां पर भारतीय विषयों की जो मूल अवधारणा है उसको किस प्रकार से यहां पर इंप्लीमेंट करें छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट पे, छत्तीसगढ़ विषय में, ये आपको पता चलेगा। और आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो अवधारणा है, वो 0 से लेकर 100% तक कैसे बनेगी, हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उसको कैसे याद रखा जाए, हम इस पर भी बात करेंगे। हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे अपवाह तंत्र की नेक्स्ट सीरीज में बात कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो जो अपवाह तंत्र हैं, जैसे कि सोन अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में है, महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में, इंद्रावती जो अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्से में, और साथ ही साथ नर्मदा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के पश्चिम हिस्से पे है, तथा जो हम ब्राह्मणी अपवाह तंत्र आगे देखेंगे वह छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व हिस्से पे है। तो चलिए आइए देखते हैं सोन गंगा अपवाह तंत्र। सोन गंगा अपवाह तंत्र को जानने के पहले यह देखते हैं कि इसे सोन गंगा अपवाह तंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ड्रेनेज सिस्टम की जो प्रमुख नदी है, किसकी, सोन गंगा अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी है वह है सोन रिवर। और ये सोन रिवर आगे जाके पटना के पास गंगा नदी पे मिल जाती है, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से जो जो नदियाँ निकलती हैं, या जो जो नदियाँ छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं, जो हाईलैंड्स हैं, जो अपलैंड्स हैं, वहाँ से वो उत्तर डायरेक्शन में बहती हैं, वो एट लास्ट कहाँ पर जाके मिलती हैं, सोन नदी पर मिलती है। ठीक, इसलिए हम इसे सोन गंगा अपवाह तंत्र कहते हैं, क्योंकि ये नदियाँ सोन में मिलने के पश्चात सोन के पानी के साथ गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती हैं और अंततः यह बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। यानी कि पहला पॉइंट ये होता है, इसकी प्रमुख नदी जो है वो सोन नदी है। और दूसरा, ये सोन गंगा अपवाह तंत्र, यानी ये हमारा छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र में जो सोन गंगा अपवाह तंत्र है, इसका विसर्जन भी हमारा किस में हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में। छत्तीसगढ़ में केवल एक ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है जो कि अरब सागर में गिरता है, उसका नाम है नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि सोन गंगा अपवाह तंत्र भी बंगाली खाड़ी में गिरेगी गंगा नदी के थ्रू। दूसरा, इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम भी गोदावरी नदी के द्वारा, वो भी कहां गिरने वाली है, बे ऑफ बंगाल में उसका विसर्जन होगा। महानदी का भी विसर्जन बे ऑफ बंगाल में होगा, ब्राह्मणी का भी विसर्जन बे ऑफ बंगाल में होगा, लेकिन नर्मदा का विसर्जन कहां होगा, अरब सागर पे होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी ड्रेनेज सिस्टम है जो कि अरब सागर में गिरती है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं, इसको मैपिंग के थ्रू देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, हम दो बार मैपिंग करेंगे। पहला मैपिंग ऐसा होगा जहां पर हम ये केवल देखेंगे कि किस डायरेक्शन से क्या होता है, और किसी भी टॉपिक को, नदियों को पढ़ने के लिए हम क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, आइए देखते हैं। जैसे कि हम केवल यहाँ पे प्रमुख नदी ले रहे हैं सोन नदी, ये आपका ये सोन नदी हो गया। केवल इसको आप डायग्राम को बनाते जाएं अपने कॉपी में भी, ताकि आप ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया गंगा नदी। ठीक, ये मैपिंग है, हम इसे बोल सकते हैं वेब मैप है, जो कि एग्ज़ाम के लास्ट में एक रिवीजन के पर्पज़ से हमें बनाना चाहिए। तो ये आपकी सोन रिवर हो गई, करेक्ट। अभी सोन रिवर में पहली एक रिवर आके जो मिलेगी, इसको ध्यान रखेंगे, यह होगा आपका बनास रिवर। दूसरी रिवर जो आके मिलेगी उसका नाम होगा आपका गोपद रिवर। तीसरी रिवर जो आके मिलेगी उसका नाम होगा रिहंद रिवर। और चौथी रिवर आके जो मिलेगी उसका नाम होगा कन्हार रिवर। यानी कि छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको प्रमुख चार ऐसी नदियां हैं जो विभाजित करती हैं, बनास, गोपद, रिहंद एवं कन्हार, जो आगे जाके किससे मिल जाएगी, सोन नदी से मिल जाएगी। इससे ये सत्य होता है कि सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम का जो ढाल है वो किस तरफ है, उत्तर की तरफ, करेक्ट। तो याद रखेंगे इस तरीके से, ये देखिए अभी हम मैपिंग पूरा देखेंगे इसका कैसे होगा, ये क्लियर। तो आप ध्यान रखेंगे, पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम में जो नदियां छत्तीसगढ़ से निकल रही हैं उनको पश्चिम से पूर्व जमाइए, तो आपको याद होना होगा बनास, गोपद, रिहंद एंड कन्हार। उसके बाद पूछ सकता है कि सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम में जो सोन नदी है उसमें किस तरफ से, उसमें आपके दाहिने ओर से मिलने वाली नदियों के क्रम को पूर्व से पश्चिम जमाइए। दाहिना क्रम कौन सा है, ये वाला, ठीक, पूर्व से पश्चिम, दिस इज द पूर्व, ये आपका ईस्ट, कन्हार, रिहंद, गोपद, बनास। तो याद रखेंगे कभी भी नदी का टॉपिक पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है नदी किस डायरेक्शन में जा रही है, और उस डायरेक्शन को देखते हुए आप अपने आप को
एज्यूम करिए, और आपका जो राइट साइड होगा वो नदी का भी राइट साइड होगा और आपका जो लेफ्ट साइड होगा वो नदी का भी लेफ्ट साइड होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यहीं क्लियर होता है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो हमें अपने आप को एज्यूम करना है उसके डायरेक्शन के साथ। ठीक, दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, नदी पढ़ते वक्त सारी नदियों के लिए आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ों के लिए ध्यान रखना है, तो पहला याद रखेंगे आप रिवर है, तो रिवर हो गए तो कहीं ना कहीं से इसका उद्गम होगा। ठीक, उद्गम होगा तो कहीं ना कहीं इसका विसर्जन होगा किसी नदी में, ये भी एक पॉइंट होगा थ्योरी का। ठीक, आपको सारा कुछ लिखा हुआ आपके नोट्स में है। ठीक, उद्गम हो गया, विसर्जन हो जाता है, विसर्जन के बाद इसकी कोई ना कोई इस नदी की लेंथ होगी, लेंथ के बाद ये किसी न किसी शहर इसके तट पर होगा, इसमें कुछ ना कुछ क्या होंगे प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ ना कुछ इसमें क्या होंगे वाटरफॉल भी होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक, इस नदी का कोई ना कोई आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगा, करेक्ट, इस नदी का कोई ना कोई प्राचीन नाम या एंशियंट नेम होगा जो कि पुराणों के आधार पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होगा, विभिन्न कथाओं के आधार पर, मिथकों के आधार पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होगा, वो एक प्राचीन नाम हो गया। फिर उसके बाद इसका अपवाह क्षेत्र, किसका, इन नदियों का अपवाह क्षेत्र क्या क्या होगा, तो याद रखेंगे जो अपवाह क्षेत्र होगा वो हम इन नदियों के सारे इसी तरह के मैपिंग में इसको कवर करते जाएंगे। तो चलिए आइए इसको कवर करते हैं। ठीक, बनास, बनास ध्यान रखेंगे कोरिया से निकलती है, केवल कोरिया में बहने वाली है, गोपत केवल कोरिया में निकलती है, कोरिया में बहने वाली है, मिलेगी कहाँ बात करते हैं अभी। रिहन सरगुजा से निकलती है, सरगुजा के बाद ये जाएगी आपकी सूरजपुर, सूरजपुर के बाद बलरामपुर, तीन जिला, कन्हार जो है ये आपके जसपुर, और जसपुर के साथ ही साथ ये आ गई आपकी बलरामपुर, करेक्ट। निकल कहाँ से रही है सारी नदियाँ, छत्तीसगढ़ से, और ये जो है बनास एवं गोपद, ये दोनों आपकी मिलती हैं मध्य प्रदेश जाके, और ये दोनों नदियाँ, ये दोनों जाके मिलती हैं आपकी यूपी जाके। तो इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर हमने इन नदियों का क्या कर लिया, देख लिया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से इनको मैपिंग में ढाला जाए और इनकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सोन नदी ऐसे निकलती है छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा की ओर, ये मध्य प्रदेश में यूपी एवं छत्तीसगढ़ में बहती हुई है, एवं यहाँ पे बनास, गोपद एवं रिहन तथा कन्हार नदी इस पे उत्तर दिशा की ओर से मिल जाती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम सोन नदी के बारे में। तो जो सोन नदी है, सोन नदी के उद्गम स्थल के बारे में दो प्रकार के तर्क हैं। पहला एक ऐसे तर्क हैं जो कि मिथक एवं कथाओं पर आधारित है, और दूसरा तर्क जो है वो वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। तो जो तर्क मिथक एवं कथाओं पर आधारित है उसके अनुसार सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की नर्मदा नदी के उद्गम के विपरीत सोनमुड़ा की पहाड़ी से स्थित है। ठीक, और इसे ब्रह्मा जी की दोनों आंखों से बहने वाली आंसू माना गया, मतलब एक आंसू इन्होंने नर्मदा नदी को लिया है मिथकों में, और दूसरा आंसू इन्होंने किसको लिया हुआ है, सोन नदी को लिया हुआ है। तथा संस्कृत साहित्य में, ध्यान रखेंगे, संस्कृत साहित्य में सोन नदी को हिरण्यबाहु भी कहा हुआ है, एवं सोन नदी के बारे में जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वह हमारे कई भागवत पुराण में, रामचरितमानस में भी दिया गया है। वैज्ञानिक आधार पर सोन नदी का उद्गम स्थल पिंडरा के सोन बचरवार से होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम सोन नदी को ड्रॉ करते हैं। ये इस तरीके से, ये हमने सोन नदी निकाली, ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, ये एमपी में बहती है, एमपी के बाद ये सीधी जिले पे आती है, और सीधी जिले पे आने के बाद ये सिंगरौली, और सिंगरौली के बाद ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट होते हुए यह पटना में, किसमें, पटना में एक इससे मिल जाएगी आपकी गंगा रिवर से। ये होगी मेरी गंगा रिवर और ये होगी मेरी सोन रिवर, करेक्ट। अब उसके पश्चात ध्यान रखते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू में कुछ पहाड़ियों को देखा था, अब उन पहाड़ियों के आधार पर हम देखते हैं एक एक नदी के बारे में। तो सबसे पहले हम एक नदी देखेंगे जिसका नाम होगा बनास नदी। तो ये जो बनास नदी है, हमें पता है कि ये देवगढ़ की जो पहाड़ी थी इसी का ही एक्सटेंशन है यहाँ पर मनेंद्रगढ़ की पहाड़ी, करेक्ट। तो ये जो मनेंद्रगढ़ की पहाड़ी है, मनेंद्रगढ़ की पहाड़ी से जो नदी निकलती है, ठीक, मनेंद्रगढ़ की पहाड़ी से जो नदी निकलती है, जो कि उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में बहते हुए यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाने के बाद ये मध्य प्रदेश में जाकर सोन नदी से मिल जाती है। मध्य प्रदेश में सोन नदी पर यह सीधी जिला, कौन सी जिले पे, सीधी जिला पर जाकर मिलती है, और सीधी जिला के यह शिकारगंज नामक स्थान पर, कहाँ पर, शिकारगंज नामक स्थान पर इससे मुलाकात करती है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, पहला, बनास नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के देवगढ़ का पठार, ब्रैकेट में ले सकते हैं हम लोग सोनहट का पठार, और साथ ही साथ मांझटोली की पहाड़ी, ठीक। और यह इसके निकट पर कई पुरातात्विक स्थल भी स्थित हैं, जैसे कि कोटाडोर, सीतामढ़ी छपौड़ा, ठीक, सीतामढ़ी नामक गुफा, ये सारी इसके तट पर स्थित है।
अब आगे हम लोग देखते हैं गोपद नदी के बारे में। तो गोपद नदी का इंफॉर्मेशन ऐसा है, गोपद नदी जो निकलेगी वह देवगढ़ सोनहट के पठार में रांची की पहाड़ी से, कहां से? रांची की पहाड़ी से आमा पानी नामक एक जगह है। कौन सा जगह? आमा पानी नामक जगह है। और इस जगह से हमारी कौन सी नदी निकलती है? वह है हमारी गोपद। यह हमने निकाला गोपद। और यह सीधी जिला पर ही यह बर्दी नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? बर्दी नामक स्थान है, वहां पर यह मुलाकात करती है। बट एग्जाम के अनुसार, ध्यान रखेंगे, एग्जाम के अनुसार कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ दिया कि बनास की सहायक नदी कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे आप गोपद को कई बार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है और इनके संगम पर यह बात किया जाता है कोटाडोल। अगर क्वेश्चन आया कि कौन सा पुरातात्विक स्थल गोपद एवं बनास के संगम पर है, तो ये कोटाडोल है। लेकिन इसकी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह है, जिस तरह से कुछ रियासत की किताबों में आप पढ़ सकते हैं, ठीक, कुछ रियासत स्पेसिफिक लाइक चांगबगर एवं कोरिया रियासत को जब आप पढ़ते हैं तब आपको यहाँ पर पूरा क्लियर कट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो बनास नदी कोरिया से निकलती है, कोरिया से निकलने के बाद मध्य प्रदेश के सीधी जिला में जाके मिलेगी। और उसी प्रकार से आपका जो गोपद नदी है, उसी प्रकार से जो आपका गोपद नदी है वह यहाँ पर आपकी रांची की पहाड़ी, और यह है आपका मांझटोली की पहाड़ी। तो रांची की पहाड़ी से यह नदी निकलती है और निकलने के बाद बर्दी यानी कि सीधी जिला बर्दी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद ध्यान रखेंगे यहीं पर एक नदी है, कहाँ पर? गुरु घासीदास नेशनल पार्क पर, जिसका नाम है चिनान नदी। ठीक, कौन सी नदी है? चिनान नदी। और इसी चिनान नदी पर च्योल जलप्रपात है। तो पहली एक सहायक नदी हमको पता चल जाता है गोपद का, जिसका नाम क्या है? नेयूर नदी, जिस पे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के अंतर्गत, गुरु घासीदास नेशनल पार्क के अंतर्गत कौन सा वाटरफॉल आएगा? च्योल वाटरफॉल। और एक और नदी के बारे में आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, एक है आपका लोधर। ठीक, तो लोधर एवं नेयूर जो है वो गोपद की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोगों ने दो प्रमुख नदी देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिहन नदी के बारे में। तो रिहन नदी को ध्यान रखिएगा कि जो रिहन नदी है वो मैनपाट की पहाड़ी, ध्यान दीजिएगा जो मेरे वर्डिंग से उसे ध्यान दीजिएगा, मैनपाट की पहाड़ी को मैं डायरेक्टली डिवाइड करूँ, नॉर्थ होगा ये, वेस्ट होगा ये, ईस्ट होगा और ये क्या होगा आपका? साउथ। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट में जो साउथ वेस्ट वाला भाग है, कौन सा वाला भाग है? साउथ वेस्ट वाला भाग, यहाँ पर मतिरिंगा की पहाड़ी फैली हुई है। किसी पहाड़ी फैली हुई है? यहाँ पर मतिरिंगा की पहाड़ी फैली हुई है, जैसे कि हम लोगों ने देखा हुआ था कि मतिरिंगा की पहाड़ी फैली हुई है। और इसी मतिरिंगा की पहाड़ी से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है रिहन रिवर। ठीक, तो रिहन रिवर जो निकली वो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से निकलने के पश्चात ये सूरजपुर में जाती है। सूरजपुर में भैया थान नामक स्थान पर एक यहाँ पे जलाशय बनाया गया है, और इसी जलाशय के थ्रू आपको पता होगा कि भैया थान जो प्रोजेक्ट्स है, ठीक, भैया थान नामक जो प्रोजेक्ट है, जो CSEB के द्वारा 660 मेगावाट के दो यूनिट बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर इसके तहत ही पानी की क्या की जाएगी? सप्लाई की जाएगी। और ये रिहन नदी फिर पुनः आगे बढ़ती है, पुनः आगे बढ़ने के बाद ये थोड़ा सा बलरामपुर की तरफ मुड़ती है, और बलरामपुर के वाड्रप नगर तहसील से जाने के पश्चात ये पुनः ओड़गी तहसील आती है। किसका ओड़गी तहसील? सूरजपुर का। तो ओड़गी तहसील आने के पश्चात ये पुनः आपका मध्य प्रदेश में एंट्री करती है, और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के पश्चात यह यूपी में जाकर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जाकर मिल जाती है। किससे मिल जाएगी? या सोन रिवर से। तो फिर से एक बार पुनः बात करते हैं हम कि जो रिहन नदी है, रिहन नदी मतिरिंगा से निकलती है, और मतिरिंगा से निकलने के पश्चात यह सरगुजा जिला, सरगुजा के बाद ये कोरिया जिला, कोरिया जिला के बाद ये कहाँ जाती? बलरामपुर, बलरामपुर होते हुए ये MP में जाती है, और यहाँ पर ये रिहन बेसिन का निर्माण करती है। रिहन बेसिन का जो निर्माण आएगा वो आएगा आपका कौन सा? बलरामपुर जिला, और बलरामपुर के साथ ही साथ सूरजपुर जिला होता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं कन्हार नदी के बारे में। कन्हार नदी का जो उद्गम स्थल है, ध्यान दीजिएगा, कन्हार नदी का जो उद्गम स्थल है, पहला जसपुर जिला, कन्हार नदी का जो उद्गम स्थल है जसपुर जिला, जसपुर जिला में बगीचा तहसील, बगीचा तहसील में जो पंडरापाट वाला एरिया है, यानी बगीचा तहसील में जो पंडरापाट विस्तृत है, वहाँ पर एक खुड़िया की पठार, खुड़िया के पठार में स्थित बखोना चोटी, और बखोना चोटी में से निकलेगी आपकी कौन सी? कन्हार नदी। अगर प्लेस की बात करें तो गिधा गोधी नामक एक प्लेस है, और अगर एक और छोटा सा अगर पार्ट के बाद में अगर कभी क्वेश्चन आ गए तो ध्यान रखिएगा तेंदू पार्ट। तो यहाँ से ये नदी निकलने वाली है, ये नदी निकलती है उत्तर दिशा में, बहती है उत्तर दिशा में, लहसुन पार्ट को क्रॉस करते हुए यह कोठली जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी यहाँ पे? कोठली जलप्रपात है। किसके आसपास? डीपाडी नामक प्लेस। आप सबको पता है डीपाडी नामक एक प्लेस है जो कि एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, पुरातात्विक स्थल है, और यहीं पर हम देखते हैं किसके बारे में? यहीं पर हम देखते हैं सामंत सरना के बारे में। ठीक,
तो यहाँ से हमारी कौन सी नदी निकल गई, कन्हार नदी, और कन्हार नदी यहाँ से निकलने के पश्चात ये अपना डायरेक्शन पूर्व की तरफ मोड़ती है, और पूर्व की तरफ मोड़ने के पश्चात ये झारखंड एवं छत्तीसगढ़ का की सीमा बनाते हुए, किसकी सीमा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए ये सीधा पहुँच जाती कहाँ पर, यूपी के मिर्ज़ापुर नामक प्लेस पर, कहाँ पर, यूपी के मिर्ज़ापुर नामक प्लेस पर जाकर यह सोन नदी से मिल जाती। तो ये देखिए मैं यहाँ पर यूपी को अलग कर दे रहा हूँ, ये ठीक, तो यूपी के मिर्ज़ापुर नामक प्लेस पे ये किससे मिल जाएगी आपकी, सोन रिवर से। तो जब ये मिलती है, बट उसके पहले ये यहाँ पे रामानुजगंज नामक एक क्या है, तहसील है, ठीक है, तो रामानुज नामक तहसील पर ये कन्हार बेसिन का निर्माण करती है। अगर क्वेश्चन आए कन्हार बेसिन कौन कौन से स्टेट में फैली हुई, तो ध्यान रखेंगे झारखंड पे, यूपी पे एवं छत्तीसगढ़ में। और ये भी ध्यान रखेंगे झारखंड में एक जिला है जिसका नाम है गढ़वा जिला, और वहाँ पर भी कन्हार बंध बनाने की बात चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कन्हार नदी के बारे में देखा। अभी इनकी कौन कौन सी सहायक नदी, हम सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक। कन्हार नदी की जो लंबाई है वह कई जगह 114 किलोमीटर लेता है या कहीं पर 115 किलोमीटर लेता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो रिहन की लंबाई मैंने 145 किलोमीटर बताया, कन्हार की लंबाई मैंने 114 से 115 किलोमीटर बताया, ठीक। अभी जो कन्हार रिवर है, अभी जो कन्हार रिवर है इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखें, ये मेरा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का ये कौन सा डायरेक्शन है आप समझ सकते हैं, ये है नॉर्थ ईस्ट। तो एक नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि कन्हार नदी छत्तीसगढ़ का, मैं इस ईस्टर्न बघेलखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, कन्हार नदी पूरे छत्तीसगढ़ का कौन सी सीमा बनाती है आपकी, नॉर्थ ईस्ट सीमा बनाती है, किससे, झारखंड से, साथ ही साथ पूर्वी बघेलखंड की भी नॉर्थ ईस्ट सीमा कौन बनाएगी, कन्हार नदी बनाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कुछ और प्रमुख नदियाँ हैं जो कि इस भाग में बहती है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें रहना चाहिए। पहला आप ध्यान देखेंगे यहाँ से एक रापा नदी बहेगी, ठीक, रापा नदी, महावी नदी और मोदानी नदी, ये तीन से चार नदियाँ जो हैं इसे ऊंची पर्वत वाली पठार से निकलते हैं और ये एमपी की तरफ प्रवाहित होती है, और जाकर ये किससे मिल जाएंगी, सोन नदी से सारी नदियाँ मिल जाएंगी। उसके पश्चात याद रखेंगे कि मनिंद्रगढ़ के एक बैरागी नामक प्लेस में, कौन से वाला नामक प्लेस पर, बैरागी नामक प्लेस पर, ठीक, मनेंद्रगढ़ के बैरागी नामक प्लेस पे, मनेंद्रगढ़ के बैरागी नामक प्लेस से एक नदी बहती है जिसका नाम है केवई रिवर। कौन सी रिवर, केवई रिवर, और ये केवई रिवर है आपकी सोन की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी, सोन की सहायक नदी, ये हमने लगा दिया केवई रिवर। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के जो नदी जोड़ो परियोजना है, छत्तीसगढ़ की जो नदी जोड़ो परियोजना है उसमें कोरिया जिले से, किससे, कोरिया जिले से एक नदी केवई है जिसको जोड़ा जा रहा है किससे, हसदेव नदी से। यहाँ से आप देखेंगे अभी हसदेव नदी बहती है इसी देवगढ़ की पहाड़ी से, कैमूर से, ठीक, तो यहाँ से एक हसदेव नदी आती है, तो उस हसदेव नदी के साथ नदी जोड़ो परियोजना यानी केवई नदी एवं हसदेव नदी के पानी को एक साथ मिलाकर इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पहला नदी जोड़ो परियोजना ईस्टर्न बघेलखंड में केवई नदी और हसदेव नदी के साथ है, और दूसरा एक नदी जोड़ो परियोजना जो है वह ध्यान रखेंगे कि हसदेव की एक सहायक नदी है गेज, और गेज की सहायक नदी आपकी उत्तेम, ठीक, तो ये उत्तेम नदी, ठीक, ये उत्तेम नदी है, और उत्तेम नदी के साथ आपकी रिहन नदी, ठीक, तो ये वाला यानी कि एक नंबर और ये आपके आ गया दो नंबर, यानी कि ये एक नदी जोड़ो परियोजना ईस्टर्न बघेलखंड में दिख रहा है, दूसरा आपका ईस्टर्न बघेलखंड में कौन सा परियोजना दिख रहा है, केवई और हसदेव नदी के बारे में। इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र पे या पूर्वी बघेलखंड में हम लोगों ने सोन नदी अपवाह तंत्र को पूर्ण रूपेण यहाँ पर हम देखते हैं। बाकी इसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो नदियां हैं वो उत्तरी क्षेत्र में सोन नदी से मिलती हैं और मिलने के पश्चात ही यहाँ की पर्वत पठारियों को वो बीच बीच में कई भागों में बांटी हुई है, तो इस पर कैसे क्वेश्चंस बनेगा, ये मेंस का एक पार्ट होता है, तो हम इसे वहाँ पर देखेंगे। बाकी सारे फैक्ट्स आपके पास हैं, इसको देखें, बार बार देखें और इसे कॉपी में नोट करते जाएँ। बाकी जैसा मैपिंग बना है सेम वैसा ही मैप है, और इसे याद कर रखें आप। धन्यवाद। तो फिर देर किस बात की, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.competitioncommunity.com। इसके अलावा इस मोबाइल कोर्स से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा आप एक डेट और सेट कीजिए, 22 दिसंबर 2019 इस दिन से लॉन्च होने वाला है FTR यानी कि फास्ट ट्रैक रिविजन कोर्स हमारे YouTube चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें।